हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फोटोग्राफी गाइड्स। यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और हेल्पफुल है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक अच्छी फोटो के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सेल हुई है हमारे परम मित्र प्रदीप की। और ये फोटो दोस्तों सेल हुई है 22.60 सेंट में, मतलब अप्रोक्स मान के चलें तो 1900 रुपये के अप्रोक्स की जो डॉलर की जो रेट है, मतलब इंडियन करेंसी में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो फोटो यहाँ पर सेल हुई है, अगर दोस्तों आप भी शटर स्टॉक पे काम करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं भी यहाँ से पैसा कमाऊं, तो बेशक आप पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि शटर स्टॉक एक ऐसा जरिया है, इससे आप क्या है कि अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। मैं भी शटर स्टॉक पे काम करता हूँ, मुझे तकरीबन यहाँ पर 4 साल करीब हो चुका है। और जो हमारे परम मित्र प्रदीप जी हैं, इनको भी यहाँ पर समथिंग 3 साल करीब हो चुके हैं और इन्होंने भी तकरीबन यहाँ पर 2 पेमेंट ले चुके हैं। और अभी जो इनकी रिसेंटली फ़ोटो सेल हुई है, यहाँ पर 1845 रुपये की फ़ोटो सेल हुई है जो कि इन्होंने कन्वर्ट करके देखी है। तो ये लास्ट नाइट को ही सेल हुई है। और इसका सेल होने का रीज़न ये है दोस्तों कि अगर आप शटर स्टॉक से कोई सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं, मान लीजिए आप किसी शॉप से जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ से मैं मंथली इतने का ही सामान खरीदूंगा कि 1000 रुपये का, तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा। समझाने का मतलब मेरा ये है। और अगर कोई डायरेक्टली कोई पर्सन जाके किसी शॉप पे और कोई सामान खरीदता है, क्योंकि उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका वहाँ पर कस्टमर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर होता है कि शटर स्टॉक पे अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं तो वहाँ पर जो फोटो है दोस्तों वो आपको मिलती है थोड़ी कम रेट में। मतलब अगर आप उससे चाहते हैं कि एक ही 10 फोटो का जो पोर्टफोलियो ये मैं यहाँ से इतने में लूँ, तो वो पैकेज आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली उस फोटो को डाउनलोड करता है या फिर वीडियो को डाउनलोड करता है, तो उसको उसका जो चार्ज है दोस्तों वो ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो फोटो यहाँ पर सेल हुई है, ये हुई यहाँ पर मतलब 1845 रुपये की, $22 के अप्रोक्स। तो अगर आप शटर स्टॉक पे काम करते हैं या फिर आप काम करना चाहते हैं, तो बेशक आप काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी अच्छी इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें आप कितना भी कमा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। मुझे कमेंट आता रहता है कि सर आपने इससे कितना कमाया और कितनी इससे इनकम हो सकती है। तो दोस्तों इसका कोई फिक्स नहीं है। मैं काफ़ी बार मैं अपनी वीडियोस में बताता भी रहता हूँ और मैं जो आपके कमेंट्स आते हैं उसमें बताता हूँ कि इसका कोई फिक्स नहीं है। अगर आप जो फोटो अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद में मान लीजिए आपकी 10 फोटो वहाँ पर अपलोड है अपनी प्रोफाइल पर, और उसमें से 2 फोटो आपकी हाइस्ट कॉस्ट में बिक जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि रिसेंटली $22 में यहाँ पर फोटो बिकी है, तो अगर आपकी 3-4 फोटो इसी रेट में बिक जाती है तो आपका जो थ्रेशोल्ड है $35 का वो जल्दी भी कंप्लीट हो सकता है। और मान लीजिए आपने वहाँ पर 500 फोटो के बाद डाली और फिर भी आपका जो फोटो एक भी सेल नहीं हुआ, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो डीमोटिवेट आपको नहीं होना है। ये जो मेरा दोस्त है प्रदीप, तो मैंने इसको भी यही सजेस्ट किया था कि अगर आप डीमोटिवेट होकर काम करेंगे तो आप इसमें सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने भी काम करना शुरू किया और इनकी जो 1-2 फोटोज है वो सेल हुई, तो इनको एक मोटिवेशन मिला। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज यही था दोस्तों कि अगर आप शटर स्टॉक पे काम करते हैं और आप इससे पैसा कमाना चाहते हैं ऑनलाइन घर बैठे, अपनी पॉकेट मनी आप निकालना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है और मतलब आप अच्छे तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास में DSLR है तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसी जर्नी को जानने के लिए हमारे दोस्त प्रदीप को मैंने यहाँ पर बुलाया और इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने कब से काम शुरू किया और इनका क्या मानना है इस शटर स्टॉक के बारे में, तो इनकी राय भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्रदीप भाई, आप बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस शटर स्टॉक की वेबसाइट के बारे में जब से आपने यहाँ पर इस पर काम करना शुरू किया है। तो नमस्कार फ्रेंड, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज भाई चेतन ने मेरे को यहाँ पे बुलाया है, और इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब मैंने शटर स्टॉक स्टार्ट किया था तो अप्रोक्स मेरे $20 की समथिंग पेमेंट हो गई थी करीबन 1.5 साल में। उसके बाद मेरी फोटो थोड़ी और कम बिकना स्टार्ट हो गई, कारण क्योंकि मैं 3-4 महीने पहले से ही काम नहीं कर रहा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। फिर मैंने इनको एक दिन बोला कि यार ऐसे ऐसे बात है और इसमें तो मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा। वह बात मेरे को बोले हुए लगभग 2 से 3 दिन हुए थे, और 4th दिन मेरी लगभग $10 के समथिंग मेरी एक फोटो सेल हुई, तो मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया। क्राइटेरिया पूरा होता है जैसे मेरे पास पेमेंट आए, तो वो क्या है कि जैसे पेमेंट आती है ना तो आदमी को लालच आ जाता है, तो लालच वाली भी बात थी और वहां पर थोड़ा मोटिवेशन जो इन्होंने मेरे को दिया था उसकी भी बात थी। अब जैसे इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और 2-4 दिन बाद मेरे को रिजल्ट मिल गया,
तो मैं काफी मोटिवेट हो गया। और उस टाइम पे मैंने मेरे चैनल पे भी एक वीडियो डाला था और वहां पे भी मेरे को काफी सारे कमेंट मिले थे। तो उस चीज से मोटिवेट होके पहले तो क्या करता था मैं, आज फोटो अपलोड कर दिए, टाइम नहीं मिला 10 दिन बाद कर दिए, जैसे टाइम मिला वैसे काम कर लिया मैंने। लेकिन अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं और महीने के अगर आप 200 से 300 फोटो भी डाल देते हैं और कंटिन्यू यही प्रोसेस आप चलने देते हैं साल भर तक, तो मैं आपको गारंटी दे के कह देता हूं कि आप एक साल में एक या दो बार पेमेंट उठा लेंगे और कंटिन्यू यही चलते रहेंगे, आपका पोर्टफोलियो 8 से 10 हजार फोटो का हो जाता है। तो आप यूं मान लो कि आपके 4-5 हजार रुपये पर मंथ तो कहीं भी नहीं गए। और उसके अलावा जैसे आज मेरी फोटो इतनी महंगी सेल हुई है, इस तरह से मेरी काफी और भी फोटो है जो कभी $10 में, कभी $12 में, $15 में बहुत सी बार सेल हो चुकी है। तो आप भी इसी तरीके से जो मेरी कई फोटोज हैं वो सेल हो चुकी है, उसके बारे में मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया भी हुआ है कि कई बार मेरी अलग अलग तरीके की जो फोटोज है वो सेल होती रहती है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो वो फोटो है वो ऑन डिमांड बिकती है, और कुछ जो फोटोज हैं वो मेरी सब्सक्रिप्शन पैकेज जो लिए होते हैं, क्योंकि हर आदमी का एक पोर्टफोलियो होता है, उसकी प्रोफाइल होती है। मान लीजिए मैं एक एनिमल्स की फोटो डालता हूँ, मतलब जो मेरा पूरा प्रोफाइल है वो पूरा एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड है। मैं पूरी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। अगर कोई अपनी प्रोफाइल बनाता है वो कोई फूड से रिलेटेड अगर प्रोफाइल बनाता है, तो जो लेने वाला बंदा है दोस्तों वो क्या करेगा कि उसको चाहिए कि उसको फूड से रिलेटेड ही फोटो चाहिए, तो उसका एक सब्सक्रिप्शन पैक ले लेगा कि जैसे मैं कुछ नई फोटो वहाँ पर डालूंगा तो जिसकी मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ से उसके पैक के हिसाब से वो ले लेगा। अगर कोई बंदा डायरेक्टली गूगल के थ्रू सर्च करता है या कोई अदर वेबसाइट के थ्रू सर्च करता है और उसको वो फोटो वहाँ पर मिल जाती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि भाई शटर स्टॉक से इसको खरीदना चाहिए, तो उसने डायरेक्टली अगर वहाँ से डाउनलोड कर लिया तो उसको वहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और उसका जो बेनिफिट है कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगा और अपन को भी मिलेगा, क्योंकि तो कुछ परसेंट जो है वो रॉयल्टी शटर स्टॉक भी रखता है और कुछ परसेंट अपन को देता है। अगर आप शटर स्टॉक पे इसी तरीके से काम करेंगे तो आप काफ़ी अच्छी जो अपनी पॉकेट मनी है वो निकाल सकते हैं। आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ, अगर आप डीमोटिवेट हो गए तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आपको काम करना है तो एक माइंड बना लीजिए कि मुझे काम करना है और आगे सक्सेस होना है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे और आप अच्छी खासी जो अर्निंग है यहाँ से शटर स्टॉक से कमा सकते हैं। क्योंकि शटर स्टॉक पे जो फोटो आपकी एक बार अपलोड हो चुकी तो वो आपको लाइफ टाइम वहाँ पर अर्निंग देती रहेगी, जब तक आपका अकाउंट रहेगा, जब तक आपकी प्रोफाइल रहेगी। ये तो मैं कह देता हूँ कि मेरी जो कई ऐसी फोटोज हैं मतलब वो समथिंग 50 से ऊपर बार भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, और रिसेंटली जो इनकी फोटो है इसका मैं साइड पे आपको फोटो दिखा दूंगा, ये फोटो 4 बार यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, और रिसेंटली जो भी लास्ट नाइट ये जो फोटो सेल हुई है ये हाईस्ट रेट में गई है, तो काफ़ी अच्छा इसको मतलब इनको रेस्पॉन्स भी मिला है और इनका एक मोटिवेशन भी बढ़ता है इस चीज़ के प्रति कि अपन को आगे भी काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास में तो देखो दोस्तों कि मेरे पास में भी DSLR है और प्रदीप भाई के पास में भी DSLR है, तो हम DSLR से फोटोग्राफी करते रहते हैं, और कई बार जब हम बाहर जाते हैं तो कहीं लगता है कि मैं अपने मोबाइल से शूट कर लेना चाहिए ये फोटो, तो उनको हम करते भी हैं। और जो एप्लीकेशन आते हैं आप देखते हैं कि प्ले स्टोर पर काफ़ी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जैसे लाइट रूम है, स्नैपचैट है, और काफ़ी अच्छी अदर वेबसाइट भी है जहाँ से आप फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, और अगर आपके पास में लैपटॉप है PC तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर जितनी अच्छी फोटो आप वहाँ पर एडिट करके शटर स्टॉक पर अपलोड करेंगे तो काफ़ी अच्छी वो दिखने में भी अच्छी लगेगी और आपके बिकने के जो चांसेस वहाँ पर बढ़ जाएंगे। अगर आपको इतना भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि डेफिनेटली मतलब जो भी आपका एक मोबाइल है उसको अच्छी तरीके से स्टैंड करके और उस फोटो को कैप्चर कर लेना है। अगर आप वीडियो करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एक्सपोजर है उसको आपको जरूर से लॉक कर लेना है। अगर आप एक्सपोजर लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अगर आप आउटडोर में शूट करेंगे और वहाँ की जो लाइटिंग कंडीशन है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो लाइट है वो कभी कम होगी तो कभी ज़्यादा होगी, तो इस कारण से आपको इस चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अगर आप शटर स्टॉक के बारे में और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कंटिन्यू इस वीडियोस पे बने रहिए, अपने मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें ताकि आपको मैं आगे से आगे मोटिवेट करता रहूँ और आगे से आगे इस तरह की वीडियो यहाँ पर आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला होगा कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए होगी, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।